टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एकमात्र गोल्ड लाने वाले एक शेर। हाँ, आप लोग सही समझे, हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। आज देवश्री आर्टिस्टिक में सबको स्वागत है। आज बात करेंगे नीरज चोपड़ा के ऐसे अननोन ट्रुथ के बारे में जो अभी तक अनजान था। तो आ जाइए सुनिए। सच नंबर वन, टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने कैसे विनिंग मोमेंट को जीते थे आप लोग सबको ही देखे हैं। अब पानीपत में जन्म लिए थे जब 1997 में 24th दिसंबर, कैसे था उसको देखने में, देखिए देखिए हम यहाँ पे पिक्चर छोड़े हैं। अब हरियाणा के पानीपत के नाम हम लोग तो इतिहास के पेज में बहुत सुने हैं। यहाँ पे वॉर नंबर 1, 2, 3 बहुत कुछ हुआ था। कौन जानते थे इस पानीपत में फोर्थ वॉर आने वाले हैं और जो लाएंगे नीरज चोपड़ा। सच नंबर टू, नीरज चोपड़ा के फैमिली मेंबर्स है 17 और वो अपने पापा के बड़े बेटे हैं और दो बहन है सरिता संगीता। वो 150 किलोमीटर दूर जाते हैं उनके बजाते थे उनके एकेडमी में और हर दिन जाते थे, हार्ड वर्क करते थे। सच नंबर थ्री, नीरज इतना मोटा हो गया था, मतलब ये बहुत प्यारा सच है, इतना मोटा हो गया था कि उनके परिवार उनके पापा ने उनको एकेडमी में सच्ची भेजे और उनके जो पहला कोच है नासिम सर, वो बोल रहे थे वो वॉलीबॉल के लिए एकदम दौड़ता था, मतलब वॉलीबॉल खेलना पसंद करते थे और वो टांग टांग के, मतलब सर ने टांग टांग के उसको जैवलिन में लाता था। सच नंबर फोर, आपके हर किसी का अपना अपना मन पसंदीदा हीरो है, हीरोइन भी है। किसी का महेंद्र सिंह धोनी, किसी का रोहित शर्मा, किसी का विराट कोहली, ठीक इसी तरीके से जैवलिन थ्रोइंग में नीरज चोपड़ा का अपना हीरो है, जिनके नाम है क्या, देखिए हम यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, नाम है जैन जेलेस्नी। सच नंबर फाइव, टोक्यो के आगे जितना नीरज चोपड़ा ने मेडल जीते हैं उसके अवतरना हम यहाँ पे किए हैं, आप लोग देख लेना, ये है बहुत बड़ा सच और उसके साथ है उनका अर्जुन अवार्ड। सच नंबर सिक्स, अब देखिए तो एक लड़का जब इतना अचीव किए तो अपना भी कुछ बनाए ना, तो देखिए क्या उनका घर था और क्या इसके बाद वो बनाए। सच नंबर सेवन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नीरज चोपड़ा, उनके बड़ा बड़ा धोनी जैसे बाल आप लोग सब देखे हो, हम यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, देख लो, और इसके साथ उनके ऑडिगरी मन पसंदीदा और है उनका अपना बाइक, वो भी धोनी जैसे, और जो सबसे पसंद है वो क्या, माँ के हाथ का बनाया हुआ चूरमा। सबसे इंपॉर्टेंट सच है यही नंबर एट, नीरज चोपड़ा को क्या हुआ था, ओलंपिक शुरू होने के लगभग आगे 2019 का 15th मई उनका शोल्डर इंजरी हो गया। वो 16 महीना रिहैबिलिटेशन के बाद फिर से इंटरनेशनल सर्किट में पहुंच गए। सच नंबर नाइन, टोक्यो से लौट गए हैं हमारे शेर नीरज चोपड़ा। सलूट नीरज चोपड़ा, आपके लिए अवार्ड्स रखा गया है, एक एक करके हम यहाँ पे दे दिए भी है, तो आपके बारे में बोलने में मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।